लखनऊ में पवन सिंह और ज्योति सिंह को किसने मिलाया? ज्योति सिंह ने खुद किया खुलासा, नाम लेते हुए कह दी बड़ी बात। अपने नए बंगले में ज्योति सिंह के साथ रहेंगे पवन सिंह। अनुपमा यादव के साथ हो गया सबसे बड़ा धोखा, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिए मजे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से हो गए एक साथ? पावर स्टार के मैनेजर ने बता दिया अंदर का राज। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। हर तरफ दोनों को बधाइयां मिल रही हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें शेयर कर शुभकामनाएं दे रहे हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह की एक साथ वाली तस्वीरें शेयर करके लोग लिख रहे हैं कि भाई एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया का बाजार गर्म है और पवन सिंह के फैंस अब अनुपमा यादव को जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं यह तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों अनुपमा यादव का नाम पवन सिंह के साथ जोड़ा जा रहा था। कई लोग तो अनुपमा यादव को पवन सिंह की नई दुल्हन बता रही थी। डिंपल सिंह के साथ भी पवन सिंह का नाम जुड़ चुका है। ऐसे में डिंपल सिंह को भी लोग सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि पवन सिंह ने अब इन सब बातों पर विराम लगा दिया है क्योंकि उन्होंने फिर से ज्योति सिंह के साथ अपना घर बसा लिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जब हमने उनके मैनेजर और परम मित्र दीपक सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बताया कि अब दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वहीं एक अन्य करीबी ने बताया कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है और आने वाले दिनों में सबके सामने पता चल जाएगा। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह से अभी भी तलाक का केस चल रहा है। आरा के फैमिली कोर्ट में दोनों कई बार पहुंच भी चुके हैं और अपनी अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख चुके हैं। अब खबर है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस लगाकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि जो खबर सोशल मीडिया पर चल रही है वह सारे सच हैं। दरअसल पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने गुरुवार को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टेटस लगाते हुए बबीता मिश्रा का नाम लिया। बबीता मिश्रा के लिए ज्योति सिंह ने लिखा है, थैंक यू बबीता दीदी आपके सारे एफर्ट्स के लिए। वहीं ज्योति सिंह के इस पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि पवन सिंह के साथ सुलह कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। चर्चा तो यहाँ तक हो रही है कि पवन सिंह जो आरा में नया बंगला बनवा रहे हैं उस बंगला में वह अपनी पत्नी के साथ वो रहेंगे और इसका खुलासा खुद ज्योति सिंह के वकील पहले ही कर चुके हैं। ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि पवन सिंह जो घर बना रहे हैं उस घर में अपनी पत्नी ज्योति सिंह को रखने के लिए बना रहे हैं। हमको तो पता है कि दोनों अंदर ही अंदर बहुत प्यार करते हैं। ज्योति सिंह के वकील ने कहा था कि वह अब भी पवन सिंह के साथ रहना चाहती हैं। वह अगर रखते हैं तो वह जरूर रहेंगी। किसके घर में वाद विवाद नहीं होता है, विवाद उसी से होता है जो सबसे करीब होता है। सबसे करीब उनकी पत्नी ही होती है। वहीं ज्योति सिंह ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पवन सिंह कान के बहुत कच्चे हैं। वह किसी की भी बात मान लेते हैं, उसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पवन सिंह ऐसे ही ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब कर देंगे। पवन सिंह अपने फैसले खुद नहीं लेते हैं। खैर ये सब बातें बीती हुई बातें हैं, आगे क्या होता है वो देखते जाइए। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें।